Yashasvi Jaiswal's name came up in the seventh set of the IPL auction. Then four-time IPL champions Mumbai Indians started a bidding war which was joined by Kings 11 Punjab and Kolkata Knight Riders before Rajasthan Royals swooped in to snatch Jaiswal up for 2.40 crore rupees. Son of a shopkeeper in Bhadohi, Uttar Pradesh, Yashasvi came to Mumbai when he was just 11, dreaming of becoming a professional cricketer. He lived in a tent adjacent to the Muslim United Sports Club ground for 3 years and did odd jobs like selling pani puri and fruits at Azad Maidan. His coach Jwala Singh was very happy with his success. देखिए हमारे लिए आज एक बड़ा important day है क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप cricket खेलते हो और मेहनत करते हो तो आपकी हमेशा से एक होती है कि आप बड़े-बड़े level पे खेलो और बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कि राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम ने उसको IPL में खेलने का मौका दिया है. और बड़े-बड़े खिलाड़ी होंगे वहाँ पे, शेन वॉन जैसे क्रिकेटर वहाँ पे मोस्टली उसको हेल्प करेंगे, अमोल मजुमदार भी बैटिंग कोच हैं और इतने बड़े-बड़े खिलाड़ियों के साथ वो खेलेगा. और मुझे लगता है पहला सीज़न मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम उसको बहुत सारे मौके देगी और वहाँ से अपने गेम को और इम्प्रूव करेगा और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा. बेसिकली हम लोग ने कल डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग ऑक्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि जब ऑक्शन देखते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है. तो मैंने यशस्वी को बोला था कि हम लोग आज अपने ग्राउंड पे जाएंगे और बच्चों से मिलेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा क्रिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे. लेकिन जैसे जैसे ऑक्शन आगे जाता गया, कुछ लोग और आ गए और फिर हमने मोबाइल पर यशस्वी का लाइव ऑक्शन भी देखा और बहुत अच्छा लगा कि उसको इस तरीके से काफ़ी टीम्स ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है. और इस उम्र में अगर आप IPL में इतनी सारी टीमें आपके लिए बिड कर रही हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्मान की बात है और हम लोग बहुत खुश हैं. लेकिन यशस्वी के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ये ख़त्म नहीं है, यहाँ से उसको नई शुरुआत करनी है. उसने आप पास्ट में बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज दिए हैं और अभी तक वो एज ग्रुप और मुंबई की टीम के लिए खेला है. ये बड़ा मौका है कि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलेगा, दुनिया के सारे बेहतरीन क्रिकेटर्स के साथ IPL में खेलेगा. तो बहुत बड़ा दिन है और हमारे लिए नई शुरुआत है. कोशिश करेंगे कि इसमें भी और अपना 100% दें, प्रोसेस पर ध्यान दें और अच्छे से अच्छा करें. देखिए जिस तरीके से यशस्वी पिछले करीब एक साल से मुंबई क्रिकेट में, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में, अंडर 19 इंडिया में परफॉर्मेंसेस देते आया है, तो मुझे हम लोग को ये तो पता था कि इस साल कुछ ना कुछ IPL में हमको कोई ना कोई ज़रूर पिक करेगा और इसीलिए हमको कोई ज़्यादा ऐसा घबराहट या ऐसा कुछ नहीं था. बस यही था कि हम लोग कौन सी टीम में जाएंगे और रिएक्शन यही था कि वाह वेरी गुड, अगर राजस्थान रॉयल्स ने लिया है तो राजस्थान रॉयल्स यंगस्टर्स को ज़्यादा चांस देती है खेलने के लिए, बड़े बड़े नामों के साथ साथ यंग लड़कों को प्रमोट करती है. आपने देखा होगा किस तरीके से अजिंक्य रहाणे का करियर राजस्थान रॉयल्स ने ठीक किया, तो ऐसा लगता है कि बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ राजस्थान रॉयल्स में गया एंड वी आर वेरी हैप्पी, वी वेरी वेरी मच थैंकफुल टू राजस्थान रॉयल्स. जैसे मैंने बोला है कि हम लोग के लिए हर गेम क्रिकेट होता है, हम लोग खाली क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो IPL हो, चाहे वो विजय हजारे ट्रॉफी हो, या अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, या अंडर 19 इंडिया के मैचेस हो, ये जस्ट एक क्रिकेट है और आपको हमेशा जाके बॉल को फेस करना है और अगर आप बॉलिंग डाल रहे हो तो बैट्समैन को अच्छे से अच्छा बॉल डालना है. तो IPL भी यही होगा, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी हैं और हर कोई, ये बहुत हाई प्रोफेशनल लीग है जहाँ पर आपको पता है कि आप अपने से बहुत अच्छे और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो. तो मुझे लगता है पहला सीज़न उसके लिए एक सीखने जैसा होगा और वो अगर इसमें भी छाप छोड़ पाया, अगर मौके मिले तो मैं बहुत खुश होऊंगा उसके लिए. देखिए जब मैंने यशस्वी को पिक किया था करीब 6.5-7 साल पहले, तो मुझे उसके अंदर हमेशा से टैलेंट दिखता है कि क्रिकेट उसके पास बहुत अच्छा है. बस यही है कि वो मेहनत करता रहे, फोकस रहे और आपने देखा होगा हालिया दौर में जब से IPL आया है, इंडियन जो लोकल बच्चे होते हैं, अंडर 19 20 21 साल तक के बच्चे होते हैं, जब उनको इस तरह का बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है तो कहीं ना कहीं वो खोसे जाते हैं, वो उसकी चकाचौंध में वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कभी कभी वो भूल जाते हैं कि क्रिकेट खेलने के वजह से वो वहाँ तक पहुँचे हैं. तो मैं यशस्वी को हमेशा यही समझाते रहता हूँ कि भाई देख, तुझे क्रिकेट पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें मैं हैंडल करने के लिए हूँ. तो मुझे लगता है कि यशस्वी जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते आ रहा है और अगर फोकस रखता है और अपनी मेहनत को इस तरीके से जारी रखता है और किसी और चीज़ों पे ध्यान नहीं देके क्रिकेट पे और मेहनत करता है और इसको और पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करता है, तो स्किल वाइज मुझे लगता है IPL में भी वो बहुत अच्छा करेगा.
फ्रेंकली स्पीकिंग, जब से आईपीएल का ऑक्शन हुए हम लोग के पास टाइम ही नहीं है. हम बहुत सारे लोगों से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, मीडिया हमको अप्रिशिएट कर रही है, तो अभी तक उसके घर पे ना उसने बात किया है, उसकी मम्मी का कॉल आया, मैंने भी पिक नहीं कर पाया. अभी जब मैं इन सारी चीज़ों से हम दोनों फ्री हो जाएंगे, और अभी उसको कल सुबह साउथ अफ्रीका भी जाना है, तो पैकिंग चल रही है, तो वो ख़त्म होते ही पहले उसके फैमिली से हम लोग, मैं और वो बात करेंगे.